Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. Number 1. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीइंग स्ट्रॉन्ग फिटनेस इक्विपमेंट को लेकर दुबई गए थे. इसी बीच पेपराजी स्नेह कुमार जाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सलमान खान के कई सारे वीडियोस शेयर किए हैं. एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान दुबई में एलनाज नोरोजी के बेली डांस को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. सलमान खान को इस तरह से देख कर उनके फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. Number 2. एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आई लेटेस्ट खबरों की माने तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी वॉर 2 में दोनों के बीच जबरदस्त डांस होगा. इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने करीबी सोर्स के हवाले से बताया है कि फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच टक्कर होगी, लेकिन मेकर्स ने इसके साथ ही एक ऐसी संभावना भी तलाश कर ली है जब दोनों के बीच एक जबरदस्त डांस होगा. ये कैची सॉन्ग होगा जिसे प्रीतम बनाने वाले हैं. Number 3. बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की अपकमिंग मूवी कल्कि 2898 एडी से उनका लुक का खुलासा हो चुका है. मेकर्स ने एक धमाकेदार वीडियो के साथ उनके किरदार की जानकारी दे दी है. इसमें अमिताभ बच्चन के किरदार का खुलासा होते ही सोशल मीडिया पर जश्न की लहर देखी जा रही है. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन डायरेक्टर नाग अश्विन की इस फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार निभाने वाले हैं. टीजर ने लोगों के रोंगटे खड़े करवा दिए हैं. Number 4. जहां एक तरफ सुहाना खान के नए प्रोजेक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की लाडली इटली में वेकेशन मना रही हैं. सुहाना खान ने अपनी इटली वेकेशन की लेटेस्ट तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर की है. सुहाना खान ने इटली के वेकेशन से लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके बवाल ही मचा दिया है. फोटो में सुहाना खान ब्लैक कलर के हाई नेक टॉप के साथ क्रॉप जैकेट पहने खूब स्टाइल के साथ मिरर सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं. Number 5. दुबई में इवेंट अटेंड करने के बाद सलमान खान वापस मुंबई लौट आए हैं. मुंबई एयरपोर्ट से सलमान खान का नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाईजान की सिक्योरिटी का काफिला देख नेटिजंस हक्के बक्के रह गए हैं. वायरल वीडियो में सलमान खान ब्लैक कलर की टी शर्ट, व्हाइट पेंट और आंखों पर काला चश्मा लगाए स्वैग से चलते दिखाई दे रहे हैं. सलमान खान के साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा और सिक्योरिटी के लोगों का कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा काफिला देखने को मिल रहा है. Number 6. एक्टर वरुण धवन और उनकी वाइफ नताशा दलाल जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं. कपल ने हाल ही में घर पर एक बेबी शावर पार्टी होस्ट की थी. पार्टी में दोनों के फैमिली और फ्रेंड्स शामिल हुए जिसके कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने भी इस पार्टी से केक का एक फोटो शेयर किया है. इस केक को वरुण की भाभी जानवी धवन ने बेक किया है. पार्टी के बाद धवन फैमिली ने घर के बाहर मौजूद रहे पेपराजी को स्पेशल गिफ्ट और मिठाई भी बांटी. Number 7. मानुषी छिल्लर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जहां उन्होंने 30 साल बड़े अक्षय कुमार संग ऑन स्क्रीन रोमांस को लेकर ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है. मानुषी ने कहा, अक्षय कुमार सुपरस्टार है, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूं. सुपरस्टार के साथ काम करना अच्छा है, आपको विजिबिलिटी मिलती है. अगर मैं अपनी पहली फिल्म की बात करूं तो वहां एक एज गैप था, बड़े मियां छोटे मियां में कोई पेयरिंग नहीं है, मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती, ये कोई लव स्टोरी नहीं थी. Number 8. पंकज त्रिपाठी के जीजा की सड़क हादसे में मौत हो गई है. वहीं उनकी बहन सरिता तिवारी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस भी सदमे में आ गए हैं. इसी बीच एक्टर के जीजा के कार एक्सीडेंट की दिल दहला देने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे एक गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और ड्राइवर से टकरा जाती है. वीडियो झारखंड के निरसा में जीटी रोड के पास का बताया जा रहा है. Number 9. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन लव रंजन और भूषण कुमार के साथ एक बार फिर से हाथ मिला रहे हैं. वो उनकी फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आने वाले हैं. अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लव रंजन और उनकी टीम ने दे दे प्यार दे 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अनिल कपूर को साइन कर लिया है. सोर्स ने बताया है कि कपूर के किरदार और अजय देवगन के बीच का झगड़ा दे दे प्यार दे 2 सबसे खास होगा, जो फैंस और दर्शकों को फिल्म को देखने पर मजबूर कर देगा. Number 10. रैपर बादशाह और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के डेटिंग र्यूमर्स एक लंबे समय से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इन्हीं सब के बीच बादशाह और हानिया आमिर की लेटेस्ट दुबई वेकेशन की फोटोज इंटरनेट पर वायरल होने लगी हैं. इस फोटो के साथ हानिया ने कैप्शन में लिखा है कि मेरा दोस्त चंडीगढ़ से मुझे बचाने के लिए आया है. दुबई वेकेशन की फोटोज के साथ हानिया आमिर ने बादशाह के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है जहां वो दोनों एक साथ मस्ती करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं. Number 11. सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के बाद उनके जीजा ने चुप्पी तोड़ी है. आयुष शर्मा ने बताया है कि हम लोग भाईजान के साथ हर मुश्किल में घर में उनके साथ खड़े हैं. आयुष शर्मा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात की. एक्टर ने भाईजान के घर के बाहर फायरिंग पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने जो एक्शन लिया है हम लोग उसकी तारीफ करते हैं. मुंबई पुलिस के सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया.
नंबर 12। हाल ही में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें एक्ट्रेस पहाड़ों की वादियों में घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के साथ ही एक्ट्रेस ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा हुआ है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने एक बार फिर से श्रद्धा कपूर के फैंस का दिल जीत लिया है। सामने आई इन बेहद खूबसूरत तस्वीरों में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बेहद सुंदर नजर आ रही है। श्रद्धा कपूर की इन फोटोज पर लोग जमकर कॉमेंट कर रहे हैं। नंबर 13। तमिल सिनेमा की लेडी सुपरस्टार और शाहरुख खान की हीरोइन नयनतारा और विग्नेश शिवन ने हाल ही में बेहद खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करवाई हैं, जिनकी तस्वीरें अदाकारा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। एक्ट्रेस नयनतारा और विग्नेश शिवन की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम की दुनिया में आते ही छाने लगी। सामने आई एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर आते ही बवाल मचा रही है और लोग इस पर जमकर कॉमेंट कर रहे हैं। इन तस्वीरों में नयनतारा बला की खूबसूरत लग रही है। नंबर 14। सिंघम अगेन के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण का लेडी सिंघम वाला अवतार नजर आ रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण पुलिस ऑफिसर की वर्दी में अजय देवगन के आइकॉनिक पोज को देती हुई नजर आ रही है। रोहित शेट्टी ने इस तस्वीर के साथ लिखा, मेरा हीरो रील में भी और रियल में भी लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का सिंघम अवतार फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड नंबर 15। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लाडली बेटी ईशा देओल पिछले कुछ घंटों से जमकर ट्रॉल हो रही हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सामने आया है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ईशा देओल ने लिप सर्जरी करवाई है। वहीं कुछ लोग ईशा की पहली और लेटेस्ट फोटो को भी कंपेयर करते हुए शेयर कर रहे हैं और इसे जमकर ट्रॉल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ईशा ने सर्जरी को लेकर फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है और न ही इस पर कुछ बोला है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।